हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीधर किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कंडेंस मिल्क। मैंने यहाँ पे दो तरह तरीके से कंडेंस मिल्क बनाया है। ये फर्स्ट मेथड से मैंने कंडेंस मिल्क बनाया है, ये सेकंड मेथड से मैंने कंडेंस मिल्क बनाया है। फर्स्ट मेथड से कंडेंस मिल्क मैंने सिर्फ दूध और चीनी से बनाया है, जबकि सेकेंड मेथड का कंडेंस मिल्क मैंने मिल्क पाउडर, मिल्क और कॉर्नफ्लोर से बनाया है। तो चलिए बनाते हैं दोनों तरीकों से कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क को आज हम दो तरीकों से बनाएंगे। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है आधा लीटर दूध। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, जो घर में दूध आती है आप वही दूध यूज करें, नहीं तो आप बाहर से भी दूध, पैकेट का भी दूध ले सकते हैं। मैंने यहाँ घर का आधा लीटर दूध लिया है, 100 ग्राम चीनी लिया है और थोड़ी सी 1/4 टेबल स्पून से भी कम बेकिंग सोडा लिया है। तो चलिए बनाते हैं कंडेंस मिल्क। गैस फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, मैं दूध को गर्म कर रही हूँ। जब दूध में उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें चीनी डालूंगी। कंडेंस मिल्क को बहुत जगह यूज करते हैं, केक बनानी हो या कोई मिठाई बनानी हो, खीर बनानी हो या लौकी का हलवा, गाजर का हलवा या कोई पुडिंग बनाना हो तो उसमें हम कंडेंस मिल्क को यूज करते हैं। गाजर का हलवा या कद्दू का हलवा बनाते समय मावा की जगह हम कंडेंस मिल्क का भी यूज करते हैं। दूध में उबाल आ चुकी है, मैं इसे भी और लगातार चलाते रहूंगी। दूध को आप जब भी चलाएं अंदर से लेकर के चलाएं, क्योंकि अगर दूध जल गई तो कंडेंस मिल्क का स्वाद जो है वो खराब आएगा। अब मैं इसे लगातार चलाती रहूंगी। अब मैं इसमें 100 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। आधा लीटर दूध के लिए 100 ग्राम चीनी लिया मैंने। अगर आप 1 लीटर दूध का बनाते हैं तो उसमें 200 ग्राम चीनी डालें। अब मैं इसे गाढ़ा होने तक लगातार चलाती रहूंगी। दूध आधा रह गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालते देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ गई है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए और पका लूंगी। आप देख सकते हैं कंडेंस मिल्क बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इससे ज्यादा गाढ़ा मुझे नहीं करना है। अगर ये ज्यादा गाढ़ा हो गया और मैं इसे फ्रिज में स्टोर करके रखूंगी तो ये बिल्कुल बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जम सा जाएगा ये। अब मैं गैस फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे स्टोर कर लूंगी। कंडेंस मिल्क बनके बिल्कुल रेडी है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल के मैं स्टोर करके रख लूंगी। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए मैं यहाँ दूसरा मेथड बता रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे मिल्क पाउडर, मात्रा से ये 70 ग्राम है। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इस कप से 2 कप मैंने दूध लिया है, मात्रा से ये 250 ग्राम दूध है। 2 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी लिया है, ये 2 बड़े टेबल स्पून है और थोड़ी सी बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी मिल्क पाउडर। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ मैं इसमें। मैं पीसी हुई चीनी इसलिए इसमें कम डाल रही हूँ क्योंकि मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठी होती ही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। लम्स फ्री होने तक मैंने एक स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। उस समय मैं एक ही कप दूध ऐड की थी, अब मैं एक कप दूध और ऐड कर रही हूँ। दूध की टोटल मात्रा 250 ग्राम हो गई है। ये मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे कढ़ाई में डाल के थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। स्मूथ सिल्की कंसिस्टेंसी वाले बैटर को अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएं। मुझे इसे ज्यादा नहीं पकाना है, ये बिल्कुल 3 से 4 मिनट में रेडी हो जाएगी। इसे लगातार चलाते रहें। दो से तीन मिनट ही हुए हैं, इसे बनाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा है। कंडेंस मिल्क बिल्कुल बनके रेडी है। अब मैं गैस फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी। अब उसके बाद ही मैं इसे स्टोर करके फ्रिज में रखूंगी। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल बनके रेडी हो गया। इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्टली बनके तैयार हो गई है। दोनों तरह के कंडेंस मिल्क बनके तैयार हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये कितनी सिल्की और स्मूथ बनी है। सिर्फ इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी आप मिल्क पाउडर से कंडेंस मिल्क बनाएं तो गैस फ्लेम को लो टू मीडियम रखें, क्योंकि ये बहुत जल्दी 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाती है। अगर आप गैस फ्लेम को हाई करेंगे तो इसमें कॉर्न फ्लोर भी है, वो जा करके कढ़ाई के तले में चिपक जाएगी, जिससे आपका कंडेंस मिल्क खराब हो सकता है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में हमें जाके ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।